पुलवामा में 14 फरवरी 2019 में शहीद हुए 40 शहीदों में से एक शहीद थे सीआरपीएफ 75 बटालियन के मनिंदर सिंह, जिनकी याद में एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन प्रिंसिपल जसकरण सिंह कालों की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जीओजी टीम के जिला प्रमुख ब्रिगेडियर जीएस कालो ने शिरकत की, जिन्होंने शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के परिवार के साथ मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। और जानकारी में रविंदर विक्की ने बताया, पूरा देश जो 3 साल पहले पुलवामा में एक फिदायीन हमला हुआ था, उस हमले में देश ने अपने 40 जवान जो है खो दिए थे, उसमें वो शहीद हो गए थे। आज सारा देश उनकी शहादत को एक सुर में याद कर रहा है। उसी कड़ी में दीनानगर के कांस्टेबल मनिंदर सिंह अत्री, जो हमले में शहादत का जाम पी गए थे, आज उनका तीसरा बलिदान दिवस उन्हीं के नाम पर बने हुए शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह अत्री सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र भर के शहीद परिवारों ने शामिल होकर उस अमर योद्धा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद देश का सिरमौर होते हैं, देश चैन से सोता है। किस लिए सोता है? कि शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह जैसे शूरवीर हमारे सरहदों के पहरेदार बनकर दुश्मन को ये चुनौती देते हैं कि उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। आज जरूरत है इन शहीदों द्वारा दिखाए हुए रास्तों पर चलने की और देश की युवा पीढ़ी को इन योद्धाओं के बलिदान से प्रेरणा लेने की, ताकि इनके बलिदान से प्रेरित होकर वो भी भारतीय सेना में भर्ती होकर राष्ट्र निर्माण में जो है अपना बहुमूल्य योगदान दें। मैं नमन करता हूं सभी शहीद परिवारों को, शहीद मनिंदर सिंह जी के पूरे परिवार को, जिन्होंने अपना बेटा देश की बलि वेदी पर कुर्बान करके एक शहीद परिवार का जो गौरव जो है वो प्राप्त किया। आज जरूरत है ऐसे शहीदों की सोच पर पहरा देने की और एक आदर्श समाज की सृजना में सभी मिलकर इन शहीदों की सोच पर पहरा देकर अपनी अहम भूमिका निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। जय इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समूह शहीदों को नतमस्तक है जी, श्रद्धांजलि देने हैं और एक ही आस रख रहे हैं कि उन्होंने जो जज्बा सीगा असी समाज के जिंदा रख सकी। स्पैशल थैंक्स टू माई वड्डे ब्रदर विक्की जी, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और साडे वर्गे लोगों को भी इस चीज़ में जोड़ रहे हैं। सो एक ही आओ सारे रल के जो उन्होंने मान सम्मान बनता शहीदों का वो तो वो दईए तो उन्होंने जज्बा जोड़ा वो जिंदा रखिए। सब तो जरूरी चीज़ समाज के इस लिए हुई है। आने वाले बच्चों आने वाले पीढ़ियों जागरूक करिए और उन्होंने अपने नाल लैके होर जज्बा में भरीए। एंड वंस अगेन स्पेशल थैंक्स टू ऑल द रिस्पेक्टेबल्स एंड विक्की। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।